मानव कर्मों की हमने बात किया है, लगभग 24 पृष्ठ तक हम लोग हैं। मानवीय कर्मों की स्पष्टता हमें मिली है। अस्तित्व समग्र में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ये सभी हैं। क्या इनमें भी लक्ष्य है? तो अस्तित्व को समझने वाले मानव को यहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये सभी सलक्ष्य हैं। सभी का कर्म निश्चित है, मानव को भी कर्म है। वर्तमान के मानव, परंपरा के मानव अपना कर्म निश्चित नहीं कर पाए हैं, ऐसा अभी के अध्यायों में हमारा एक ध्यानाकर्षण हुआ है। इसी पुस्तक के आगे के अध्यायों में शेष तीन अवस्थाओं के कर्मों का भी अनुभवमूलक विश्लेषण वंदनीय बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम सभी को सूचना हो गई है, व्यवस्था के मूल में परमाणु है, और बड़े भैया श्री अशोक गोपाल जी ने एक सटीक प्रस्तुति भी, परमाणु एक व्यवस्था है, उसको हम आपने सुना है। तो हमें यह भी जानकारी हुई है कि कर्मों की मूल प्रेरणा परमाणु में निहित है। इसलिए व्यवस्था अस्तित्व में है और यह व्यवस्था नैसर्गिक है, ऐसा बाबा जी ने लिखा है। परमाणु में अनुसंधान प्रवृत्ति होने के प्रमाण बाबा जी को मिले हैं, ऐसा उन्होंने हम सबको प्रतिपादित किया। इसलिए जीवन जो कि गठनपूर्ण परमाणु है, यानी हमारे में व्यवस्था की प्यास है। जड़ परमाणु में विकास और आगे चैतन्य परमाणु में यह विकास होना और जागृति की प्रेरणा, यह नियति सहज है। यह प्रेरणा को पहचान पाना और अपने विकास और जागृति के अर्थ में शास्त्राभ्यास के लिए स्वयंस्फूर्त गति होने की आवश्यकता है। इसी अर्थ में कर्मदर्शन पुस्तक में शेष तीन अवस्थाओं के कर्मों की स्पष्टता होने से हमारी दर्शन क्षमता का विकास होने की संभावना है। फलस्वरूप अस्तित्व बोध, नियम बोध, जीवन बोध और व्यवस्था बोध होने से अनुभव के लिए स्वप्रेरणा होना, यह सहज सुलभ होने की संभावना है। और ऐसा अनुभव होने की संभावना का अनुमान मैं कर रहा हूं। यह अनुमान क्षमता के लिए प्रारंभ के दो अध्यायों में स्वाभाविक रूप से हमें, यानी मानव को ही कर्म की स्पष्टता और कर्माभ्यास रूपी उपासना की स्पष्टता और कर्माभ्यास व्यवहाराभ्यास से विवेक जागरण का मार्ग प्रशस्त होने की उपाय योजना बाबा जी ने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति क्रम में आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि सकारात्मक तर्क अर्थात जागृति बोध और प्रमाण योग्य होने के अर्थ में हम सभी आपस में एक संवाद होना एक आवश्यक प्रक्रिया लगता है, जिससे संवाद दृढ़ होकर जीने के लिए प्रोत्साहन आए। और वंदनीय बाबा जी ने यह प्रस्ताव जीने में गति बनने के अर्थ में हमारा ध्यान भी दिलाया है, समझकर जीने की प्रेरणा दी है और प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं प्रमाणों का अध्ययन होना है और यह मुझे स्वीकार हुआ है, जिससे कि ये जीने की प्रेरणा है। तब भाई और बहनों, मानव ही ने ही सृष्टि को समझने का प्रयास किया है, यह एक नियति क्रम संकेत है और इस संकेत को हम पहचान पाए, इस उद्देश्य से यह प्रस्तुति क्रम शुरू हुआ है। और अभी हम कर्मदर्शन प्रस्तुति क्रम के प्रथम अध्याय के अंतिम पड़ाव पर हैं। 8 पृष्ठ शेष हैं। इन पृष्ठों में जो जो अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों को, विश्लेषणों को अब हम प्रारंभ करते हैं।
तो अंतिम अनुभूति जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी उससे शुरुआत करते हैं। उत्पादन और सेवा में अर्थ का उपार्जन, अर्थ के सदुपयोग में समृद्धि, संयत उपयोग सदुपयोग में संतुलन, सार्वभौमिक धर्म में समाधान, सत्य सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसिद्ध है। अब इस अनुभूति का आगे विश्लेषण प्रस्तुत किया है पेज नंबर 24, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, पेज नंबर 24 ये नया संस्करण है कि नहीं, यदि आप लोग को मिल गया होगा, और पुराना भी कोई यहां तो जो पढ़ने वाले हैं, पुराना तो नहीं है कोई, मिल गया, 37 आ गया ना, हाँ पुराना जो पढ़ रहे हैं वो 37 पृष्ठ पर। थैंक यू सभी बंधु भगिनी को मेरा नमस्ते, जो सुन रहे हैं परंतु मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, जो मुझे देख रहे हैं, और मुझे ऐसा भाव है कि मैं परिवार में ही व्यक्त हो रहा हूं, और जो दो तीन दिनों से या पिछली प्रस्तुतियों में भी मेरे सहित हम सभी जो प्रस्तुत करता है बंधु भगिनी, उन सबको जो आपने प्रोत्साहन दिया है, यह मैं एक परिवार सहज प्रोत्साहन के रूप में ले रहा हूं, और धीरे धीरे एक तालमेल कैसा हो सकता है कि मैं जो कुछ व्यक्त कर रहा हूं वह आप तक पहुंचे, यथावत पहुंचे, इसके लिए पठन को मैंने प्राधान्य दिया है, और छोटे छोटे तर्क जो मेरे प्रयास से कुछ स्पष्ट हुए, जो मुझको लगता है कि ये तर्क होने से शायद आप तक ये बात पहुंचेगी, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे तर्क आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये सब सुखद प्रेरणादायी महसूस हो रहा होगा। धन्यवाद। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो जो मैंने पहले पढ़ा ये तो स्वतः ही स्पष्ट है, उत्पादन स्पष्ट है, सेवा स्पष्ट है, उत्पादन और सेवा में अर्थ का उपार्जन यह भी स्पष्ट है जो हम शायद अब तक करते आए हैं, अर्थ के सदुपयोग में समृद्धि, यहां पर ध्यान देने की बात है, संयत उपयोग एवं सदुपयोग में संतुलन, सार्वभौमिक धर्म में समाधान, सत्य सत्यता में अनुभव तथा आनंद प्रसिद्ध है। अब इन्हीं का विश्लेषण जो कल से हम देख रहे हैं, दर्शन क्षमता सत्य सत्यता, अब इसको हम प्रकृति की व्यवस्था जो मूल व्यवस्थाएं हैं उन मूल व्यवस्थाओं में जो जड़ चैतन्य क्रिया है, उस जड़ चैतन्य क्रिया में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का जो नियोजन है, और उस नियोजन के फलस्वरूप आज हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा शरीर है और जीवन भी है, ये मौलिक रूप में कैसे हैं, और इन मौलिक रूप में कर्म और क्रिया ये कैसे स्पष्ट होती है, जो कर्म दर्शन का एक आधार बनता है, उसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। तब अब आज की पहली अनुभूति है, अनुभूति आनंद ही नित्य प्रतिष्ठा, धर्म एवं न्याय सम्मत आचरण व्यवहार व्यवस्था विधि एवं शिक्षा ही समाधान एवं अमर प्रतिष्ठा। ध्यान देना है नित्य प्रतिष्ठा अमर प्रतिष्ठा, ध्यान देना है अनुभूति आनंद और समाधान, विषय प्रवृत्ति ही अल्प प्रतिष्ठा है से प्रतिष्ठित पाया जाता है। तब अनुभूति आनंद नित्य प्रतिष्ठा का अर्थ है यह तीनों कालों में सदा सदा व्यापक सत्ता में अनुभूत होने से यह नित्य प्रतिष्ठा है जो कि जीवनगत स्थिति है। धर्म न्याय सम्मत आचरण व्यवहार व्यवस्था विधि एवं शिक्षा ही समाधान, यह समाधान यह मानव में स्थित है और यह अमर प्रतिष्ठा है। तो नित्य प्रतिष्ठा और अमर प्रतिष्ठा, तो अमर प्रतिष्ठा के अर्थ को समझने से हमारे में यह विश्वास कि भले ही मेरा शरीर छूटेगा, जीवन रूप में मैं रहूंगा, मेरा शरीर छूटेगा, और ऐसा ही मानव परंपरा में हम देखते आए हैं जिसे हम जन्म और मृत्यु कहते हैं। अब हमारे हमको ये देखना है
कि जन्म और मृत्यु के बीच जो वैभव है वह वैभव कि अमर प्रतिष्ठा होना, और यह अमर प्रतिष्ठा समाधान के रूप में मानव परंपरा में वर्तते रहना, वो कैसे वर्तते रहना, जिसे कहते हैं धर्म एवं न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार व्यवस्था विधि एवं शिक्षा ही समाधान और अमर प्रतिष्ठा। तो ऐसे नित्य अनुभूत होकर नित्य प्रतिष्ठा में मानव रूप में जो समाधान की प्रस्तुति है, हर मानव की जो व्यवस्था में भागीदारी है, ये इस रूप में अमर प्रतिष्ठा में होने से है कि नहीं, स्वयं ही अब कल्पना कर सकते हैं, तर्क को प्रयोग कर सकते हैं। ये तर्क होने में ही कितना सुखद और एक सुकून देने वाला स्थिति समाधान के रूप में है। तो परंपरा को पहचान पाना, समाधान की परंपरा को पहचान पाना, यही अमर है। तो मानव होने के नाते मुझको काल तो होगा, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, और ऐसे में मानव परंपरा में परिवार में है ना, कोई व्यक्ति पैदा भी होना, कोई व्यक्ति का शरीर भी शांत होना, तो इस तरह से आना जाना, शरीरों का जन्म होना, शरीर का मृत्यु होना, इस रूप में मानव परंपरा होना, और मानव परंपरा में यह समाधान अमर प्रतिष्ठा होना, यह एक तर्क समझ में आता है। विषय प्रवृत्ति ही अल्प प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित पाया जाता है, तो विषय प्रवृत्ति की प्रतिष्ठा ये अल्प है। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं ये प्रतिष्ठा शब्द का नियोजन क्या है। तो प्रतिष्ठा की परिभाषा है पद में स्थिति, स्वभाव गति व गुण में प्रमाणित रहना, ये प्रतिष्ठा है। तब यहां पर हम जैसे जिज्ञासुओं का ध्यान जाता है कि हम मानव व्यवहार दर्शन में पद और पदातीत है ना, ये अध्याय पढ़े थे। तो पद और पदातीत, पदातीत व्यापक है और पद हमें चार हैं, तो चार पद हमने पहचाने थे, प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद। तो भ्रांति पद के मानव, और उसमें यह भी देखा कि एक पद चक्र है और संक्रमण भी है। तो भ्रांति पद ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्या है, तो उस व्यवस्था में यह समझ में आ रहा है जो यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि भ्रांति पद में विषय प्रतिष्ठा अल्प होना, यह भ्रांति पद में हमें समझ में आता है और यही हमारी वेदना है। इससे अधिक मानव में क्या है, तो इससे अधिक मानव में अमर प्रतिष्ठा और नित्य प्रतिष्ठा, ये जिज्ञासा होना और ऐसे होने के लिए संक्रमण के लिए हमारा मानस तैयार होना, और हम संक्रमित होकर के देव पद और आगे दिव्य पद होकर पदमुक्ति पहुंच पाना, यह एक प्रतिष्ठा का प्रतिपादन अभिव्यक्ति के रूप में बाबा जी ने हमको किया है, ऐसा मेरा अनुमान पहुंचता है। तब हमने जो प्रथम दिन बाबा जी का प्राक्कथन पढ़ा था, उसमें अभिव्यक्ति संप्रेषण और प्रकाशन, ये तीन मुद्दों को बाबा जी ने व्यवस्थित विश्लेषण करके हमें बताया है, अभिव्यक्ति क्या है, संप्रेषणा क्या है और प्रकाशन क्या है। तो आपने उसको किया होगा, इस अध्याय के अंत में एक बार पुनः हम प्राक्कथन पर जाने वाले हैं और उसमें ये अभिव्यक्ति संप्रेषण और प्रकाशन, इन मुद्दों पर हम प्रकाश करेंगे। तो ये जो प्रतिष्ठा की बात अभिव्यक्ति पूर्वक और हमें प्रतिपादित किया है और प्रेरणा दिया है। तो अब हम आगे क्रिया, कर्म, पदार्थ, प्रक्रिया, फल और शक्तियां, ये परस्पर पूरक हैं। क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां, शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म है, और ये सभी पदार्थ में दृष्टव्य हैं। अब हमारा शेष प्रकृति पर ध्यान आकर्षण हो रहा है। पदार्थ को कहते हैं पद भेद से अर्थ भेद को व्यक्त होने वाली इकाइयां। अब यहां पर पदार्थ अवस्था की इकाइयां, साथ में जड़ चैतन्य भी है, पर प्रधानता इसमें पदार्थ अवस्था की इकाइयों पर ध्यान दिलाया है, और साथ में जड़ और के साथ में चैतन्य प्रकृति का भी ध्यान आकर्षण, कैसे जड़ और चैतन्य में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों की हम पहचान कर सकते हैं। तब क्रिया, यहां तक तो हमारा ध्यान जाता है सामान्य रूप में, अस्तित्व में या प्रकृति में हम क्रिया देखते हैं,
कर्म पहचानना है। क्रिया और कर्म, यह कहां द्रष्टव्य है? तो यह पदार्थ में द्रष्टव्य है। तो पदार्थ को देखने की हमारी क्षमता होना, पदार्थ को देख पाए, तो क्रिया कर्म, पदार्थ को पहचान पाऊं, प्रक्रिया को पहचान पाऊं, फल को पहचान पाऊं और शक्तियों को पहचान पाऊं, यह सारा परस्पर पूरक है। तब क्रिया ही पदार्थ, पदार्थ ही प्रक्रिया, प्रक्रिया ही फल, फल ही शक्तियां, शक्तियां ही क्रिया एवं कर्म है, यह सब पदार्थ में द्रष्टव्य है। अब यह हुआ दर्शन क्षमता से जो हमको द्रष्टव्य हो गया, मतलब यह हमारी दृष्टि में आना। अब इसकी स्पष्टता क्या है? अब इसकी स्पष्टता दिए हैं, श्रम गति एवं परिणामशीलता क्रिया की, क्रिया की स्पष्टता, क्रिया विश्लेषित हुई, श्रम गति और परिणाम है ना। सृष्टि दर्शन में हमने इसको व्यवस्थित इसकी सूचना ली है कि हर क्रिया के मूल में श्रम है, गति है और परिणाम है। उसका परावर्तन कर्म की, इसका जो परावर्तन है वह कर्म। अर्थवत्ता पद की, तो ऐसे क्रिया और उसका परावर्तन से अर्थवत्ता यानी इकाई को अर्थ हुआ तब उसका पद बना। विकासशीलता प्रक्रिया की, अब उसमें जो विकासशीलता है जो हम रचनाओं के रूप में भी पहचानने में आती है कि नहीं, और मूल रूप में ये परमाणु के स्तर पर होने वाली विकासशीलता है। उपयोगिता फल की, ऐसा होने में जो उपयोगिता है, परस्पर उपयोगिता का भी हमें सूचना है और ये हमारे दृष्टि में भी आता है, तो ऐसे परस्पर उपयोगिता को फल की। तरंग दबाव एवं प्रभाव शक्तिवत्ता की, स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। अब यहां शक्तिवत्ता इकाई है, इकाई की स्थितिवत्ता यानी स्थिति क्रिया, तो इस तरह से शक्तिवत्ता की स्थितिवत्ता को स्पष्ट करता है। यह सब पदार्थ की सीमा में पाए जाने वाले परावर्तन या परिवर्तनशील प्रकटन है। अब ये पहले आया द्रष्टव्य होना और फिर आया इसका स्पष्टता होना। तो इस प्रकार से दृष्टि में यह स्पष्टता होने से अब आगे सापेक्ष रूप से जड़ शक्तियां और अपेक्षा रूप में चैतन्य शक्तियां स्थितिशील है और निरपेक्ष रूप में आध्यात्मिक सत्ता स्थितिपूर्ण है। अभी जो सापेक्ष शक्तियां हैं है ना, ये हम पहचान पाना, उसके विश्लेषण अब नीचे दिए हैं। साधारण रूप में सापेक्ष शक्तियां ध्वनि, ताप, विद्युत और चैतन्य में इच्छा, विचार, आशा। तब जड़ में शब्द दिया है सापेक्ष और चैतन्य में शब्द दिया है अपेक्षा। अब हम आगे ध्यान देते हैं। तो जड़ शक्तियां ताप, साधारण में हम लोग ऊष्मा, ऊष्मा वस्तु है, प्रकाश हम किरण विकिरण को पहचानते हैं, विद्युत जैसे चुंबकीय धारा का विखंडन से विद्युत, आकर्षण चुंबकीयता, ध्वनि के रूप में, ध्वनि क्या चीज है, तो घर्षण से उत्पन्न जो तरंग है उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार जड़ शक्तियां ताप, प्रकाश, विद्युत, आकर्षण एवं ध्वनि के रूप में, चैतन्य शक्तियां आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अनुभूति के रूप में प्रसिद्ध हैं। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति की आधारपूर्ण सत्ता ही अध्यात्म है, जो निरपेक्ष सत्ता है। तब हमारा ध्यान चला जा रहा है, अब हम जड़ शक्तियों को कैसे पहचानते हैं और चैतन्य शक्तियों को कैसे पहचानते हैं। तो ध्यान जा रहा है कि जिस प्रकार से जड़ शक्तियों का नियोजन है और ये शक्तियां जिस तरह से धरती रूपी व्यवस्था में नियोजित होकर मानव के अनुकूल हैं, आज भी अनुकूल हैं, और इसीलिए मानव का अस्तित्व
इस धरती पर प्रकट भी हुआ और हम उस अस्तित्व के दृष्टा होने का सौभाग्य मानव को मिला है। और ये दृष्टा कैसे हो सकते हैं, इस रूप में दो वरदान हमें मिले हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, ये दो वरदान मानव को उपलब्ध है। तब ध्यान ये गया कि जब कर्म दर्शन यानी उसका जो दर्शन होना है तो दर्शन इस तरह से दिखता है कि एक परमाणु, ऐसे अनेकों परमाणुओं का श्रमशीलता, अनेकों परमाणुओं में जो क्रिया और कर्म है उस कर्म का प्रकटन से ही ऐसा व्यवस्थित शरीर और जीवन, ये अपने आप में रचना का पूर्णता के रूप में शरीर समृद्ध मेधस तंत्र में भी ध्यान दिलाना चाहेंगे कि यह कैसा अद्भुत आश्चर्यकारी मानव शरीर, अगर ऐसे भाव रूप में सोचने दें, और स्वयं जीवन गठनपूर्ण इकाई जो कि पूर्णता का एक पड़ाव गठन पूर्णता को व्यक्त कर रही है। तो इस तरह से ये जो शक्तियों का नियोजन के फलस्वरूप मानव का होना, मानव का अस्तित्व, अब इसके आगे हमारे क्या पड़ाव हैं, इन पड़ावों की अब हमारे में जिज्ञासा। तो आगे की अनुभूतियों को हम चल रहे हैं, तो इसी में मैं थोड़ा सा ध्यान भी और दिलाना चाहूंगा कि कल से हम सत्य सत्यता, कल दोपहर के सत्र में दर्शन क्षमता पर प्रकाश किया था, और दर्शन क्षमता में सत्यता को पहचानने की बात थी। तो ये जो क्रिया कर्म पदार्थ प्रक्रिया फल शक्तियां, यही हमारे होने में यही सत्यता है, इस सत्यता को यथार्थ रूप में पहचानने की एक आवश्यकता। तो ऐसा यथार्थ पहचानने में सक्षम अंतर्राष्ट्र, ऐसा शुरुआत बाबा जी ने यथार्थ दर्शन का जो आवश्यकता प्रस्तुत किया, और यही सत्यता है और यही वस्तु स्थिति के रूप में भी आज थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये जो किरण विकिरण है कि नहीं, एक अजीर्ण परमाणु राशि का वस्तु स्थिति है कि धरती के गर्भ में ये किरण विकिरण और काम करते हुए धरती की जो उर्वरा है, प्राण अवस्था का जो बनना है और हमारे शरीर में उपकारी सिद्ध होते हैं, है ना, ऐसी क्रिया और कर्मों को स्पष्ट होकर स्वाभाविक रूप में हमारे में भी ये प्रेरणा आना कि मानव के लिए भी कर्मों के लिए प्रेरणा आना और ऐसे कर्म जो कि नैसर्गिक और प्राकृतिक हैं, ये दिखाई देता है। मध्यस्थ क्रिया सच सत्ता में बोध एवं अनुभूति होती है। संदर्भ मानव व्यवहार दर्शन। आत्मा ही मध्यस्थ क्रिया और सत्ता ही मध्यस्थ है, यह भी सूचना है, यह पुनः इसके साथ ध्यानाकर्षण है। जड़ शक्तियां प्रधानता गतिशील, चैतन्य शक्तियां संचेतनशील हैं। अब हमने कल दो शब्द गुजरे थे, एक शब्द था उसमें परिमाण और सीमा। तो अब स्वाभाविक रूप से ध्यान जा रहा होगा कि जड़ शक्तियों का परिमाण और सीमा क्या है और चैतन्य शक्तियों की परिमाण और सीमा क्या है। तो ये प्रधानता गतिशील हैं और चैतन्य शक्तियां प्रधानता संचेतनशील हैं, है ना। मेरे साथ बैठे हुए परिवार के बंधु भगिनी, उनको ये सूचना होगा, मैं पुनः दोहरा दे रहा हूं कि ये जो प्रधानता गतिशील हैं उसमें हम कैसे पहचानते हैं, परिमाण परिणाम कैसे पहचानते हैं, तो उनमें पहचानना निर्वाह करना ये क्रिया है, और उनकी सीमा है कि इनकी जो स्थिति है अवस्थाओं में, पदार्थावस्था और प्राणावस्था, इस तरह से जो वर्गीकरण है अस्तित्व का, इस तरह से मानव उसको समझ पाता है, कर पाता है। चैतन्य शक्तियां संचेतनशील हैं, तो यह संचेतनशील होना यानी उसमें परिवर्तन परिमार्जन, यह सूचना है। तो संचेतनशीलता कैसे समझ में आती है, तो परिमाण जानना मानना पहचानना निर्वाह करना। और एक अच्छा ध्यानाकर्षण जो मुझे लगता है, हो सकता है आपको भी स्वीकार हो, क्या सीमा है, तो सीमा तो है ज्ञान अवस्था की इकाई है, इसमें मूल्य मर्यादाएं हैं, और ऐसे ध्यान जाता है
कि ये क्या कर सकती है ज्ञान अवस्था की इकाई, तो ये ज्ञान अवस्था की इकाई समझ सकती है, जी सकती है और समझा सकती है। वस्तु है अस्तित्व समग्र, और क्या कर सकती है, तो ये ज्ञान अवस्था की इकाई सहायता कर सकती है। यही ज्ञान अवस्था की इकाइयों की एक दूसरे के लिए मर्यादा, अर्थात हर मानव को समझना है, ऐसे समझने के लिए सहायता है, और यही मानव के चैतन्य शक्तियों की संचेतनशीलता है। और ऐसी समझने जीने और समझाने में सहायता के लिए जो बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, धर्म और न्याय सम्मत आचरण, व्यवहार, व्यवस्था, विधि एवं शिक्षा ही समाधान, अमर प्रतिष्ठा, अनुभूति आनंद ही नित्य प्रतिष्ठा, इन सब में चैतन्यशील शक्तियों का नियोजन, ये कर्म दर्शन की हमारे के लिए उपलब्धि हो सकती है। अब वापस उपाय योजना आ रही है। अभाव भाव और तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है। यह क्रम से अभाव में वेदना, भाव में मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना है। यही सम्यक बोध है, यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। अनुभव का पूर्व लक्षण भी इसमें दिया है। अभाव पता ही है, किसी चीज की हमारे में कमी है तो अभाव है। भाव और तिरोभाव, यानी अभाव भाव और तिरोभाव की स्वीकार क्षमता ही संवेदना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान जाता है। शिकायत नहीं है, संवेदना है। अभाव की शिकायत करने से क्या होगा, अभाव है इसकी जानकारी मुझको होने से मैं संवेदनशील हो सकता हूं। उपाय है ना, क्या उपाय है, भाव और तिरोभाव तीनों सहित संवेदना है। केवल अभाव यदि हमारी कल्पना में आता है तो शिकायत पनपती है, और हमारी कल्पना में अभाव भाव और तिरोभाव ये तीनों स्थितियां जो कि आगे विश्लेषित की हैं, ये यदि हम स्वीकारते हैं तो हमारे में संवेदना है, और यही संवेदना पूर्णता के अर्थ में वेदना, यही संवेदना हमारे में व्यवस्था है जो कि हमें पूर्णता के लिए प्रेरित करती है। बढ़िया है कि नहीं। अब यह क्रम से अभाव में वेदना, भाव में मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संभाव संबोधना है। यह संबोधना क्या है, तो संबोधना यह क्रिया है, क्या चीज की क्रिया, यथार्थता का स्पष्टीकरण करना, यह संबोधना क्रिया है, और यही सम्यक बोध है, स्पष्टता है। कैसी स्पष्टता है, कि यह जो मुझ में अभाव था किसी समय और मुझ में भाव और तिरोभाव का संभावना भी स्वीकार हुआ, फलस्वरूप मेरे में जो संवेदना हुआ, उस संवेदना को दूर करने के लिए मैंने अध्ययन हुआ किया और उसमें हमें बोध हुआ। अब यह बोध कैसे आया, स्पष्ट है, यानी जो तिरोभाव शब्द का प्रयोग है कि कैसे अभाव का तिरोभाव हुआ, यह मैं कनेक्ट कर पाता हूं, फलस्वरूप भावों को कनेक्ट कर पाता हूं, यही सम्यक बोध है। कितना बढ़िया बात है, दो दिन पहले हमने बात किया था अपराध बोध कराना, ये बाबा जी ने बोला था, इससे आदमी कुंठित होगा। गलतियों का सुधार कैसे हो, और कैसा हमारे में गलतियों का सुधार हुआ, उसका स्पष्टता, यानी गलतियों का तिरोभाव होना, उस जगह पर भाव आना, इसको कहेंगे सम्यक बोध। यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। तिरोभाव का अर्थ, तिरोभाव का अर्थ है कि दूर होने की क्रिया, इसकी स्पष्टता कि कैसे अभाव को दूर किया, यह जब मैं बताता हूं तब उसमें जो भाव है वह भाव है तिरोभाव। तो हमें यह देखना है कि अब मैं थोड़ा सा उस जगह पर आता हूं, है ना, माफ करना, मैं बहुत समीक्षा के उसमें या उसमें पक्ष में नहीं हूं, परंतु कोई यश हमें मिलता है, संसार की बात कर, सांसारिक यश कोई हमें मिलता है, मान लीजिए कि हम, मेरे पास कभी खाने को नहीं था और आज हमारे पास खाने को भरपूर हो गया, मैं मानता हूं भैया ये यश है। अब यश, इस यश का
अब मैं दूसरे को बताता हूं। कैसे बताता हूं? एक समय था, खाने का कुछ नहीं था, ऐसे ऐसे हुआ, फलाना फलाना हो गया, अमुक तमुक हो गया, यानी जो जो अभाव है वो अभाव के दाग मुझ में है अभी, और वो कहीं जो अभी खाने पीने को मिला ये अभाव की ही प्रतिक्रिया जा रही है। इसका मतलब अभी भी भाव पूरा हुआ नहीं है। तो क्या पहुंचाया सामने वाले को? अभाव ही पहुंचाया। क्या पहुंचाया सामने वाले को? दुख ही पहुंचाया। दुख की लकीर आगे खींची। सुख कैसे हुआ, दुख कैसे मेरे से निकल गया, इस स्थिति को बताने के लिए जो भाव हमारे में है उसको कहते हैं तिरोभाव। ये सूक्ष्मता है जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अब हम जब भी ठीक है ना समझने के क्रम में आज जो भी हमारी स्थिति है उसके पूर्व में पीड़ा, शोक, आतुर, कातुर, ये सब तो प्रक्रिया का भाग आगे दिया भी है, पर मैं यदि समाधान का स्रोत हूं, मुझसे आगे कोई समाधान जाएगा तो समाधान से समाधान की वृद्धि होगी, तो उसके लिए दुखी होना पड़ेगा, यह नियम नहीं। तब ऐसे अभाव की वेदनाओं के साथ और यदि मैं भाव को पहुंचा पाऊंगा तो फिर वो क्या स्थिति है, इस रूप में तिरोभाव एक स्थिति पहचानने में आती है। इसको दूर कैसे करना? तो अभाव की जो परिस्थितियां हैं उसको बताने का, कैसे दूर किया इसको बताने की जो हमारे में भाव बनते हैं उस भाव को कहा तिरोभाव। तो इस प्रकार से भाव में मानवीय संवेदना एवं अभाव के तिरोभाव पूर्वक संबोधना है, यानी संबोधना में हमारी स्थिति के साथ हम स्पष्ट होते हैं, यही सम्यक बोध है, यही अनुभव का पूर्व लक्षण है। यह मुझे व्यावहारिक सूत्र लगता है, आप अपने में भी इसको जान सकते हैं। अभाव भाव में परिवर्तित होने के लिए प्रयोग और उत्पादन है, भाव सहज पूर्णता के लिए आचरण, व्यवहार एवं व्यवस्था है। अभाव का तिरोभाव भाव ही है, भाव ही मौलिकता, मूल्य एवं अर्थ है। अब भाव का स्पष्टीकरण हुआ है, मूल्य और अर्थ। अर्थ पुनः एक बार, तन मन धन का अर्थोपार्जन, अर्थ उसका जो मूल्यवत्ता है, मूल्यवत्ता के साथ अर्थ होने से भाव, और यही भाव की मौलिकता, ऐसे स्पष्ट होता है। प्रत्येक अर्थ का पूर्ण अर्थ अनुभव ही है, इसलिए संचेतना के अभाव में मूल्य, भाव एवं मौलिकता का निर्धारण नहीं है। संचेतना क्षमता में ही स्थितिवत्ता, यानी मानव इकाई की जो स्थिति क्रिया है, स्थितिवत्ता की, अब ध्यान देने लायक मुद्दे और आ रहे हैं, दिशा, हमारी दिशा क्या है, काल, मात्रा, गति, उपयोग, गंतव्य, योग, वियोग, ह्रास, जागृति, उचित, अनुचित एवं विधि निषेध का निर्णय एवं विवेचना करने की विशेषज्ञता विशेषता निहित है। यह जब तक सार्वभौमिक रूप में शिक्षा प्रद एवं अवगाहन योग्य, अवगाहन का मतलब है अनुभव की साक्षी में अवधारणा बोध और समझने की सफल प्रक्रिया को अवगाहन कहते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, यह जब तक सार्वभौमिक रूप में शिक्षा प्रद एवं अवगाहन योग्य ना हो तब तक संदिग्धता, वाद विवाद, सीमा और भ्रांतियां हैं, फलतः वर्ग एवं समरोन्मुक्ता भावी है। वर्ग स्पष्ट है, समरोन्मुक्ता का मतलब, समर का मतलब युद्ध, युद्ध सदृश स्थिति, ध्यान गया होगा। और इसकी जो डिटेल है यह डिटेल आगे आने वाले अध्यायों में व्यवस्थित हैं, इसलिए अभी इसके हम डिटेल नहीं करते, इस पर बाबा जी ने एक एक अध्याय ही लिखा हुआ है। निर्णायक क्षमता कारण गुण गणित के रूप में, विवेचना क्षमता आत्मा के अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व,
एवं व्यवहार के नियमों को स्पष्ट करने की प्रबुद्धता के रूप में प्रत्यक्ष है। अब मैं उदाहरण के लिए, यदि आपने विकल्प पुस्तक को पढ़ा होगा और उनके विश्लेषणों को दिया होगा, तो बाबा जी ने पूरा वांग्मय और कैसा यह प्रस्ताव है उसका स्वरूप के लिए कारण गुण गणितात्मक भाषा में विकल्प को प्रस्तुत किया है। हालांकि पूरा दर्शन ही कारण गुण गणितात्मक भाषा में है, पर एक निर्णय तैयार हो व्यक्ति में, इस रूप में उन्होंने विकल्प को प्रस्तुत किया है। तो जब हम विकल्प के विश्लेषणों को सुनते हैं, उसमें कारण गुण गणितात्मक भाषा से हम तक ये विकल्प पहुंचता है, तो हमारे में एक सामान्य निर्णय, विकल्प के बारे में सहमति हमारे में घटित हो सके। उसके आगे अब इस निर्णय को जीने के लिए विवेचना है। अब ऐसी विवेचना के लिए हमें ये गहरी सूचनाएं होना, आत्मा का अमरत्व, शरीर का नश्वरत्व एवं व्यवहारों के नियम को स्पष्ट करने की प्रबुद्धता के रूप में प्रत्यक्ष है। तो विवेचना पूर्वक है ना, हम लक्ष्य की पहचान कर सकते हैं। कल हमने विवेचना की परिभाषा देखी थी। आगे, जड़ शक्तियों की अपेक्षा में चैतन्य शक्तियां अधिकाधिक सक्षम है। इसका प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि चैतन्य शक्तियों के अभाव में मानव शरीर के द्वारा संपादित होने वाला क्रियाकलाप सिद्ध नहीं होता है। यह सामान्य सूचना है, सब तक ये होगा ही। मानव शरीर के लिए अब इस जड़ शक्तियां कैसे मानव चैतन्य शक्तियों का एक उदाहरण दिया है कि चैतन्य शक्ति अधिकाधिक कैसे विकसित है, उसका उदाहरण दिया। एक तो शरीर चलाने के लिए भी दिया, अब शरीर से जो हम काम लेते उसके बारे में भी एक उदाहरण दे रहे हैं। मानव शरीर के लिए जितना ईंधन प्रयोग करता है, अब हमें कैलोरीज और ये सब पता है, तो हम मेजर कर सकते कि भाई इतनी कैलोरीज हमने खाया। अब उसका जो शक्ति के बारे में यदि हम उसका मेजर करेंगे, तो उससे अधिक मात्रा में शक्तियों का बहिर्गमन करता है। तो जो अधिक मात्रा का जो बहिर्गमन है वो कौन सी शक्ति है, तो वो चैतन्य शक्ति है। ये चैतन्य शक्ति का नियोजन है, ये हमें ध्यान जाता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। दुबला पतला देखने वाला व्यक्ति भी अद्भुत काम करता हुआ दिखता है, और एक खट्टा खट्टा व्यक्ति भी है कि नहीं, तो उस तरह से काम उसमें होता हुआ नहीं दिखता। तब दिखता है कि चैतन्य शक्तियों के नियोजन से ही जैसा हमारा शरीर प्राप्त है, उससे हम अधिक के रूप में प्रकाशित होते हैं और हम अधिक काम करते हुए दिखते हैं। चैतन्य शक्तियों की क्षमता, उसका विश्लेषण हो रहा है। पांच रूप में गण्य है, उसका मूल्यांकन एवं अनुभव उन्हीं की परस्परता में संपन्न होता है। कल बात आ रही थी तीन प्रवृत्तियां, एक प्रवृत्ति थी अनुसरण प्रवृत्ति, दूसरा था अनुकरण प्रवृत्ति, और तीसरा था स्वतंत्र प्रवृत्ति। अब ये जो स्वतंत्र प्रवृत्ति स्वायत्त है, इसका स्पष्टीकरण यहां हमें मिल रहा है कि चैतन्य शक्तियों की जो मूल्यांकन और अनुभव उन्हीं की परस्परता में संपन्न होता है। और व्यवहार दर्शन का आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रामाणिकता, और इधर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये सूचनाएं हम तक गई होंगी। उसमें जो परस्पर क्रियाएं हैं उसकी भी सूचना गई होगी। उसी को एक बार हम लोग यहां पर दोहरा रहे हैं। चैतन्य शक्तियों को पहचानने के क्रम में आशा से संपन्न मन विचार से संपन्न वृत्ति का अनुभव करता है। विचार से संपन्न वृत्ति आशा से संपन्न मन का दर्शन करती है। देखिए, अनुभव और दर्शन की स्थिति। विचार से संपन्न वृत्ति इच्छा से संपन्न चित्त का अनुभव करती है। इच्छा से संपन्न चित्त विचार से संपन्न वृत्ति का दर्शन करता है। शुभ इच्छा से संपन्न चित्त सत्संकल्प से संपन्न बुद्धि सह अस्तित्व में अनुभवपूर्ण आत्मा जागृति का प्रमाण है। अनुभवपूर्ण आत्मा संकल्प संपन्न बुद्धि का दर्शन करती है। यही अनुभव समुच्चय है, यही पूर्ण जागृति है। इस प्रकार से स्वतंत्र प्रवृत्तियां, उसमें जो सक्रियता है वही हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के लिए रास्ता दिया है अनुसरण, अनुकरण और स्वतंत्र होना। तब स्वतंत्रता का स्वरूप इस प्रकार से हमें यहां पर इन शक्तियों का प्रकटन हमें इस तरह से विश्लेषित किया है। अब कल जो बात आ रही थी, हाँ, यही एक सुंदर अनुभूति है
जिसमें विश्व की बात है, देखिए कैसा अपने को कनेक्ट होता है। विश्वास की स्थली के रूप में हम कैसे स्पष्ट होता है। अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है। इसलिए जागृत मानव जागृति के लिए जिज्ञासु को पहचानता है और जिज्ञासु जागृत को पहचानता है कि नहीं। कनेक्शन ये सब हम सब इसको बाबा जी के सानिध्य में इसको देखें। तो विश्वास स्थली परस्परता में एक जागृत मानव और दूसरा जागृत होने की इच्छुक मानव में ये विश्वास स्थली यही है कि अजागृत रहते हुए भी जागृत है, ज्ञानी है, श्रेष्ठ है, इसकी पहचान अजागृत स्थिति में भी होती है। अधिक जागृत कम जागृत का दर्शन, कम जागृत अधिक जागृत को पहचानता है। इसलिए जागृत मानव जागृति के लिए जिज्ञासु को पहचानता है और जिज्ञासु जागृत मानव को पहचानता है। ये दोनों की परस्पर विश्वास की स्थली सहज रूप में अस्तित्व में उपलब्ध है, मानव मानव में उपलब्ध है। अब इसको हमारे ध्यान जाने की आवश्यकता। जागृत मानव जिज्ञासु पर विश्वास करता है और जिज्ञासु मानव जागृत के साथ अनुशासित रहता है। जागृत मानव जिज्ञासु पर विश्वास करता है और जिज्ञासु जागृत मानव के साथ अनुशासित रहते हैं। कल वाला पुनः सक्रियता, अनुशासित रहने की सक्रियता, अनुसरण, स्वेच्छा से सक्रियता, अनुकरण और फलन में सफलता, स्वतंत्र सक्रियता। मानव जीवन में ही स्थूल सूक्ष्म कारण संबद्ध विशेषताएं दृष्टव्य हैं। इन तीनों स्थितियों में सुख शांति संतोष एवं आनंद की ही अपेक्षा है। अब एक बार ध्यान, स्थूल जीवन को हम कैसे देखते हैं, दृष्टिगोचर और ज्ञान गोचर, कल हमारा ध्यान चला गया था उस पर। मानव का स्थूल जीवन सुख व शांति की अपेक्षा में, सूक्ष्म जीवन शांति व संतोष की अपेक्षा में एवं कारण जीवन आनंद एवं परमानंद की प्रतीक्षा में है, जिसके लिए यह जागृति सहज प्रमाण है। इसी के अनुकूल सर्वतोमुखी समाधान कार्यक्रम ही जागृति है। यही भौतिक समृद्धि एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां भी हैं। यह केवल मानवीयता एवं अतिमानवीयता पूर्ण कार्यक्रम पूर्वक सफल हुआ है। तब यहां यह ध्यान गया, छोटा सा विश्लेषण, छोटा सा तर्क कि कार्यक्रम विहीन मनुष्य नहीं है, तो हमें कार्यक्रम चाहिए। अब हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा में ये जो अनुभूति है, इस अनुभूति जो कि स्थूल सूक्ष्म और कारण विशेषताओं के साथ मानव जीवन का कार्यक्रमों में यदि हम इसका अंतर्भूत करते हैं, अर्थात हमारे कार्यक्रमों में समझ का अंतर्भाव होने से, कार्यक्रमों में होने से, जो मैंने एक देखा कि समझ के केंद्रित यानी समझ केंद्रित कार्यक्रम में अपने आप को लगाने से, एक छोटी सी क्यों ना सही एक लक्षण कहिए, है कि नहीं, शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखते हुए कुछ शब्दों के प्रयोग हम करते हैं, वो उपलब्धि ही सही, संवेदनाओं का नियंत्रण और हमें स्पष्ट होने लगता है। तो सार्थक कार्यक्रम, समझ केंद्रीय कार्यक्रम, सर्वतोमुखी समाधान रूपी कार्यक्रमों में भाग लेने से मन लगने लगता है और एक संवेदनाओं पर नियंत्रण की एक छोटी सी उपलब्धि हमारे में होने लगती है और हमारा मन अब संचेतनशील प्रवृत्तियों के लिए, श्रेष्ठता के लिए हम काम करते हैं। बाबा जी ने एक जगह पर कहा, भाई मन शोध रथ है। क्या चीज का शोध है मन को? तो ऐसी सार्थकता का शोध है। क्योंकि जीवन शक्तियों का अविभाज्य भाग मन है और मन को सार्थकता का शोध है, तो ऐसे सार्थक कार्यक्रम मिलते ही मन लगने लगता है और आगे संचेतनशीलताओं के लिए गति करना। उस जो बात आई थी शास्त्र की परिभाषा, श्रवण शास्त्राभ्यास की परिभाषा, शास्त्र है स्वानुशासन के लिए प्रेरणा और शास्त्राभ्यास है कि ऐसा स्वानुशासन होने के श्रवण की इच्छा शक्ति का प्रकटन। तो मन
मन में ये स्थिति देखने को मिलती है, शब्दों का चयन, अर्थों का आस्वादन। हम आप शब्दों का चयन कर रहे हैं और अर्थों का आस्वादन हो रहा है। जो जो अर्थों का आस्वादन हो रहा है, उस अनुरूप हमारी वृत्ति में तुलन क्रिया न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभात्मक तुलन क्रिया से जो वरीय होने लगा होगा, वह न्याय धर्म सत्य में इस तरह से मन वृत्ति और चित्त पूरी कल्पनाशीलता इस रूप में सर्वतोमुखी समाधान अर्थात संचेतनाशीलता के लिए केंद्रित होना, यह एक लक्षण के रूप में हम पहचान सकते हैं। जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति में पाई जाने वाली शक्तियों की प्रयुक्ति एवं नियोजन उद्भव विभव एवं प्रलय में ही है, इससे अधिक परिप्रेक्ष्य में गुण नियोजन एवं प्रयुक्ति नहीं है। यह नियंत्रण की बात है। तब पुनः एक बार दर्शन क्षमता पर आ रहे हैं, पुनः एक बार सत्य सत्यता पर आ रहे हैं। आगे विश्लेषण है ही, संपूर्ण नियोजन का आद्यांत अभीष्ट जागृति पूर्णता है। हम कर्मदर्शन पढ़ रहे हैं तो कर्मों का नियोजन आद्यांत अभीष्ट जागृति पूर्णता ही है। इकाई सहज जागृति पूर्णता में ही संबोधन क्षमता प्रकट हुई है। यह संबोधन क्षमता क्या है? संबोधन को कहते हैं यथार्थ बोधन, जो जिस अर्थ में है वैसा हम बोधन कर पाए। मानव को अस्तित्व को समझने की प्रेरणा है, जैसा जैसा हम समझते हैं वैसे वैसे जो सच्चाई जो यथार्थ रूप में है उसको हम संज्ञा देते हैं, ये है, ये है, ये है। इस तरह से संबोधन क्षमता प्रकट हुई तो जो परिभाषा रूपी मौलिक कार्य जो हम सबके सामने आया है ना, ये संबोधन हुआ है। ज्ञान अवस्था की इकाई मानव, ऐसा मानव संबोधन है, क्या सुंदर बात है ना। अब तक जैसे स्त्री है पुरुष है अमुक है तमुक है, पर समानता का संबोधन, हम सभी मानव है। इस प्रकार से यथार्थ बोधन, हम मानव हैं, हम मानव संतान हैं, हम अभिभावक हैं। इस प्रकार से संबोधन क्षमता प्रकट होना सुखद लगता है, इसलिए जीवन विद्या के शिविर सुनने में सुखद लगता है। क्या है भाई उसमें, तो यही दिखता है कि जिस प्रकार की संबोधन क्षमता बाबा जी ने हम सबके लिए उदारता से खोल दी, और वही संबोधन क्षमता, मैं तो यही कहूंगा उधार ही है, अभी उधार लिया हुआ है और लेके मेरे, मुझे तो यही लग रहा है कि मैं तो दोहरा रहा हूं, दोहराने में भी सुख है। तो ऐसी संबोधन क्षमता प्रकट हुई। उद्भव विभव प्रलय में से विभव की सर्वस्वीकृत घटना है। जागृति पूर्णता में ही विभववत्ता की प्रतिष्ठा पाई जाती है। तो पहले आया अर्थवत्ता, शक्तिवत्ता, स्थितिवत्ता, विभववत्ता, ये भी संबोधन क्रम है। उसकी स्थितियां हैं, उन स्थितियों का वर्णन है। इसलिए थोड़ा पठन पर ध्यान देता हूं, सुनने वालों की स्थिति गति के अनुसार कैसा कौन किस शब्द से और आगे गति कर जाए, इस रूप में ये विस्तृत वर्णन है। इसलिए वर्णन को व्यक्तिशः पढ़ने का मेरा मन करता है, शायद आपको भी ये सुखद महसूस हो रहा होगा। धन्यवाद। पुनः आगे बढ़ते हैं। जागृति पूर्णता में ही विभववत्ता की प्रतिष्ठा पाई जाती है। उसके पूर्व, अब ये प्रोसेस है, योग वियोग और संयोग सापेक्षता में व्यवहार कर्म विहार रत पाए जाते हैं। यह सब स्थितियां जागृति सहज प्रमाण क्रमांतर का द्योतक है। यानी जागृति क्रम जागृति में योग वियोग और संयोग सापेक्षता में व्यवहार कर्म विवाह रत पाए जाते हैं। धीरे 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 इन सभी का अर्थ मिलने लगता है और जागृति पूर्णता में इन सभी का अर्थ हमें स्पष्ट होकर हम सम्यक संबोधना योग्य होना, प्रमाण होना, यह एक स्थिति दिखती है। कर्म फलवती है, ध्यान देने का बात है। भ्रमित मानव फल भोगते समय परतंत्र है, इसी सार्वभौमिक नियम वश ही मानव कर्म उसकी फलवत्ता के प्रति निर्भ्रम होने के लिए बाध्य है। मानव द्वारा भ्रमित अवस्था में किया गया कर्म
एवं उसका फल के प्रति संदिग्धता, सशंकता तथा अज्ञानता का होना दृष्टव्य है, जबकि यह मानव में से के लिए वांछित नहीं है। सटीक ध्यान आकर्षण है। ये जो शंका है, मैं कर रहा हूं, ये कहां पहुंचेगा, इसका क्या होगा, इसका फल होगा कि नहीं, ये सब के कारण हमारा कर्म की प्रेरणा अटकी अटकी लगती है। तो फल के प्रति निर्भर होना, यही निर्भ्रांत अवस्था, यानी निर्भ्रम होना। और ये हाँ, कर्म दर्शन क्या हमें प्रेरणा दे रही है कि मानव होने के नाते जो मानवीय कर्म है उसके जो फल हैं, वह फल हमको इंगित हो रहने से हमारे में फलों के प्रति निर्भ्रम होने की स्थिति है ना, यही हमारा कर्म दर्शन का अध्ययन है। तब हमारे से संदिग्धता खत्म हो जाए, सशंकता खत्म हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए और मानव कर्म के प्रति एक साफ स्पष्ट चित्र और ये फल हमको कल्पनाशीलता द्वारा अस्तित्व में जो सच्चाइयां हैं उन सच्चाई, सत्यता, यथार्थता का दर्शन हो करके और हम अपने फलों के प्रति निर्भ्रम होना, यह स्थिति की हम सभी वांछित हैं और यही हमारी चाहना है, यही अभिप्सा है, यही अभिष्ट है। विभव में प्रयुक्त गुण, अब उसका विश्लेषण आ रहा है। विभव में प्रयुक्त गुण ही मध्यस्थ, प्रलय में प्रयुक्त विषम, उद्भव में प्रयुक्त सम है, यही क्रम से परमार्थ, स्वार्थ, परार्थ कर्म है। मानव व्यवहार दर्शन में गया है स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ, इसके पूर्व के अध्यायों में भी गया है। व्यवहार के रूप में निर्भ्रांत, भ्रांत एवं भ्रांता भ्रांत अवस्था में है जो प्रत्यक्ष है। सम विषम मध्यस्थ शक्तियां क्रम से रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण है। परंपरा की ये भाषा है, उसको बाबा जी ने दर्शन के रोशनी में इसको परिभाषित किया है। सत्वगुण संपन्न व्यक्ति का आचरण व्यवहार के साथ दया, आदर, प्रेम जैसे मूल्यों सहित विवेक व विज्ञान क्षमता पूर्ण होता है। रजोगुण संपन्न व्यक्ति में धैर्य, साहस, सुशीलता जैसे मूल्यों सहित विज्ञान का सदुपयोग होता है। तमोगुण संपन्न व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान एवं अहंकार जैसे अवांछनीय विकृतियों सहित विज्ञान क्षमता का अपव्यय होता है। सत्य संबद्ध विधि व्यवस्था, आचरण, विचार, व्यवहार, शिक्षा, दिशा, कर्म एवं पद्धति के अनुसार वर्तना ही मानव में व्यष्टि एवं समष्टि का धर्म पालन है। स्थिति में यहां आगे तीन वाद हैं, दो दर्शन अभी शेष हैं और तीन शास्त्र हैं। तो ये अनुभूतियां हमारे स्मरण में रहने से हर मुद्दे पर जो अनुसरण होना है, उसकी जो पद्धति है, प्रक्रिया है, प्रणाली है, नीति है, उसमें जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, ये सभी का विस्तृत विश्लेषण बाबा जी ने किया हुआ है। अभी ये सब का हमारे में ध्यान चला जाए कि अनुसरण होना मतलब क्या होना है। तो सत्य संबद्ध विधि व्यवस्था, सत्य में हमारा ध्यान चला जाए, उससे संबद्ध विधि व्यवस्था, विचार, आचरण, व्यवहार, शिक्षा, दिशा, कर्म एवं पद्धति के अनुसार वर्तना ही मानव में व्यष्टि और समष्टि का धर्म पालन है। मानव का स्वधर्म पालन ही अखंडता, सार्वभौमता है और सीमा विहीनता है। यहां जो सीमा शब्द का प्रयोग है वह है व्यक्तिवाद की सीमा, समुदायवाद की सीमा और स्वयं को शरीर मानने से शरीर शक्तियों के आधार पर भी कोई सीमा हम करते हैं, पर चूंकि है जीवन शक्ति है ना, और शरीर शक्तियों की सीमा को पहचानते हुए जीवन शक्तियों से ये सीमा विहीनता जो अखंडता और सार्वभौमता सूत्र को मानव को स्वधर्म पालन में अनुभव के रूप में, विचार के रूप में, व्यवहार के रूप में और व्यवसाय के रूप में है,
इस प्रकार से जागृत मानव जीते हुए सार्वभौमिक अखंडता और सामाजिकता के विश्वास सूत्र के साथ जीता हुआ प्रमाण मिलता है। और ऐसा प्रमाण हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रमाण का अल्प सानिध्य ही सही हम अपनी पात्रता अनुसार कुछ ले पाए। आगे पता लगेगा कि कितना हमारे में सार्थकता हो रही है। पर जैसा मैंने पहले ही सत्यापन किया है कि अवश्य कुछ विश्वास की स्थलियां मिल रही हैं, उस आधार पर एक आश्वासन की स्थली है, उसी से अभी हम चल रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, आपका प्रोत्साहन मिल रहा है, पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मानव का स्वधर्म पालन ही अखंडता सार्वभौमता है और सीमा विहीनता है, जो स्वयं में सह अस्तित्व सामाजिकता समृद्धि संतुलन नियंत्रण संयमता अभय निर्विषमता सरलता एवं उदारता है। इसी में दया स्नेह उदारता गौरव आदर वात्सल्य श्रद्धा प्रेम कृतज्ञता जैसे सामाजिक स्थिर मूल्यों का वहन होता है। यही मानव की चिर वांछा भी है, यही स्वस्थ सामाजिकता की आद्यंत उपलब्धि है। सच्चरित्र पूर्ण व्यक्तियों की बाहुल्यता के लिए जागृत मानव का सहयोग व प्रोत्साहन, उनकी समुचित शिक्षा व संरक्षण एवं उनके अनुकूल परिस्थितियां ही विश्व शांति का प्रत्यक्ष रूप है। इसके विपरीत में अशांति है जो स्पष्ट है। व्यवहार त्रय नियम का पालन ही सच्चरित्रता है, यही मानव की पांचों स्थितियों में प्रत्यक्ष गरिमा है। गरिमा का यहां अर्थ है श्रेष्ठता और सार्वभौमिकता, यही सहज निष्ठा है और इसी में विज्ञान और विवेक पूर्ण रूपेण चरितार्थ हुआ है। फलतः स्वस्थ व्यवस्था पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली प्रभावशील होती है। उपाय दिया है। व्यवहार त्रय का तात्पर्य जागृत मानव के द्वारा किया गया कायिक वाचिक मानसिक व्यवहार से है। समस्त परिणाम परिमार्जन एवं परिवर्तन पांच प्रकार से दृष्टव्य है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में विकास क्रम, विकास जागृति क्रम और जागृति पूर्णता। अब यहां सच्चरित्र पूर्ण व्यक्तियों की बाहुल्यता के लिए जागृत मानव का सहयोग वो प्रोत्साहन, उनकी समुचित शिक्षा व संरक्षण एवं उनके अनुकूल परिस्थितियां ही विश्व शांति का प्रत्यक्ष रूप है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता। तो जो शिक्षा और व्यवस्था का प्रयोजन है वो यहां स्पष्ट दिखता है कि जागृत मानव की अनुभव की रोशनी में उनके द्वारा दिए गए सर्वतोमुखी समाधान के प्रस्ताव में, जिनमें दो कार्यक्रम प्रमुख हैं, एक है चेतना विकास मूल्य शिक्षा और दूसरा है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा में सच्चरित्र पूर्ण व्यक्तियों की बहुल्यता होना और उनका संरक्षण और उनके अनुकूल परिस्थितियां, यह व्यवस्थाओं से होना और ये सूत्र से विश्व शांति का प्रत्यक्ष रूप हम पहचान सकते हैं। इसके विपरीत में अशांति है जो स्पष्ट है। इसलिए अध्ययन डिटेल होने की आवश्यकता है। इसलिए मैं डिटेल के पक्ष में हूं। डिटेल होने का अर्थ है विश्लेषण होना। जितना विश्लेषण होना, बाबा जी ने एक जगह संवाद में लिखा है, जितना हम विश्लेषण करते हैं, सार्थक विश्लेषण करते हैं, तो अपने आप उसका मूल्य ग्रहण होने की हमारी क्षमता विकसित होती है। और यह मूल्य ही एक प्रकार से सारांश है। तो विश्लेषण से संश्लेषण होना और वह संश्लेषण हमारे मूल्य रूप में स्थिर होना और इस मूल्यों के आधार पर हमारा जीने का जीवन शैली विकसित होना, ऐसी जीवन शैली में दिनचर्या होना, इस प्रकार से हमारा परस्परता में संवाद होना,
यह विश्व शांति का कार्य व्यवहार का एक सूत्र।